हेलो गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं तीखे वाले चावल। ये सब सामान हमने काट लिया है। ये जो है ये खड़ा मसाला है, ये हमें डालना चाहिए, इससे बहुत फ्लेवर आता है। दालचीनी और ये एक साबुत लाल मिर्च और ये पत्ता, तेज पात का पत्ता, और ये हम डालेंगे क्योंकि ये हमें स्पेशली पसंद है। तो ये डाल सकते हैं आप, इसे स्किप कर सकते हैं। और उसमें साथ में हम बनाएंगे उसके साथ ये वाली हरे धनिया वाली चटनी, में थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एंड ये नमक थोड़ा सा अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालो आप भाई, हम तो अपने स्वाद के हिसाब से डाल रहे हैं। जीरा आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप नहीं डालते हो। मैं लहसुन इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि लहसुन हम इसमें ऑलरेडी डाल रहे हैं राइस में। ये हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, अब ये गर्म हो रहा है, तेल हो गया है गर्म। अब हम इसमें ये खड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले ये खड़े मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये जरूर डालें। और हाँ, वन मोर थिंग कि आप ना इसको, ये जो साबुत हमारे पास है, इसको थोड़ा सा कूट लें तो ये जो है ऐसे हो जाएगा, इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। साबुत ही ना डालें बस, ठीक है। तो अब हम लोग ये डालते हैं इसमें साबुत मसाले। ये देखो, ये हमने डाल दिए, ये थोड़े से ना फ्राई होएंगे अच्छे से, तो हम अच्छा फ्लेवर आएगा। चलाती हूँ मैं इसे, इनको थोड़ा सा ना फ्राई होने देते हैं। हाँ अब भी रुको, हाँ ये अब इसमें हम लोग ये डाल देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे ना अच्छे से, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। ये हमने सामान जो काटा है, ये जब फ्राई हो जाएगा तो हम ये तो अब इसमें जीरा डाल रहे हैं, ये ग्रीन चिली, थोड़ा सा अच्छा सा ये आ रहा है ना फ्लेवर, ग्रीन चिली का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसे डालते हैं तो राइस बहुत अच्छे बनते हैं। ऑनियन को ना हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा रेड हो जाएगी तो अच्छा लगेगा खाने में। ये बन रहे हैं लाजवाब वाली चावल। ये देखो, खड़ा मसाला भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। यस, तो अब इसको फ्राई होने देते हैं, फिर देन हम चटनी जो है अच्छे से। ये देखो इसको ना, ये हम गांव से लाए थे सिलबट्टी, तो ये काफ़ी अच्छी सिलबट्टी है और इसका जो बट्टा है ये भी छोटा है, तो ये कुछ भी पीसने में बड़ा अच्छा लगता है। मैंने भी सीख ही लिया है तो मुझे भी आ गया है पीसना, सही बताऊँ तो काफ़ी बढ़िया चटनी बनेगी अभी। अच्छा लग रही है ना चटनी देखने में गाइस, सबको खाने में तो और भी अच्छी लगेगी। जब देखने में अच्छी लग रही है तो खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। एकदम लाजवाब चटनी बना रही जा रही हूँ मैं, और चावल के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। पराठे बने हों इसके साथ भी आप ये चटनी बना सकते हो। ये चटनी एक्चुअली हमारे यूपी में बहुत बनती है। सब्जी नहीं बनी, चटनी बना लो भाई, रोटी के संग खा लेंगे, सब्जी नहीं मिली पराठे के साथ। सब्जी बनी है तभी भी ना ये चटनी बनती है, क्योंकि इससे ना खाने में स्वाद ना चार गुना बढ़ जाता है। तो ये देखो अच्छे से ना, आप इसके आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ना इसे बहुत ज़्यादा बारीक पीस लो या थोड़ी सी ना दरदरी भी पीस सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा दरदरा पीसूंगी, ज़्यादा बारीक नहीं पीसूंगी। ये देखो एक सेकेंड, अभी ना हम लोगों ने पीस लिया है। अभी हम ना इसमें प्याज देखते हैं कि प्याज का क्या हुआ। तो प्याज जो है हमारी जो धीरे लाल हो गई है, देखो भुन गई है काफ़ी अच्छे से, बढ़िया हो गई है। अब इसमें हम ना टमाटर डाल देंगे, लाल लाल टमाटर, किसान जैम टमाटर। टमाटर डाल रहे हैं ना, थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, क्योंकि नमक से क्या है ना टमाटर ना जल्दी से गल जाते हैं, गैस की भी बचत हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। बस इतना सा ही नमक डालेंगे, क्योंकि पहले हमें टमाटर जो है भूनने हैं, तब इनको भुनने देते हैं, एक मिनट लगेगा भुन जाएंगे। अब हम लोग ना चटनी को अपना कंटिन्यू करते हैं।
इतनी पीस रही है अच्छे से, हो गया है अभी, इतना काफ़ी है, इतनी ही पीसेंगे हम, ठीक है। सो दिस इज़ रेडी, ओके, खाने में बड़ा मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी गाइस, ट्राई इट एट होम, ओके। सो अब इसमें ना ये थोड़ा सा हमने धनिया के पत्ते हैं ये डाल देते हैं, बाकी हरे हरे पत्ते हैं क्योंकि मैं इनको फ्रिज में ना पॉलीथिन में ना गांठ लगा के रखती हूँ, तो जो धनिया है ना हरा तो काफ़ी फ्रेश रहता है। टमाटो भी हो गए हैं, उसमें हम ना थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं, चीज़ें डालेंगे, मैं स्पेशली MDS का मसाला यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने डब्बी में रख रखा है, तो ये MDS का मसाला थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने ना इसमें खड़े साबुत मसाले भी डाले हैं, बस ये इतना सा, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले भी डालते हैं तो टेस्ट जो ख़राब हो जाता है। हल्दी थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हल्दी डालने से ना थोड़ा कलर भी आ जाएगा और हल्दी का भी फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। धनिया थोड़ा सा डालेंगे, इतना सा मैं डाल रही हूँ, ये आप डाल सकते हैं, और बस अब हमें जितना नमक डालना है, चावल आपने जितने लिए हैं 1 ग्लास 1.5 ग्लास उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। हम तो दोनों बहन खाने वाले हैं तो हमने 1 ग्लास चावल बनाए हैं, तो अब हमने इस मसाले को मिला लेंगे, मसाला मिल गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखो, भुन रहा है, और इसमें ना थोड़ा सा राइस, जो हमने ये राइस धो के हमने रख लिए थे पहले ही, और काफ़ी अच्छे राइस हैं ये, हमें इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो हम हमेशा यही वाले राइस लेके आते हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके घर में कौन से वाले राइस यूज़ होते हैं, और हाँ हम गांव से भी राइस मंगाते हैं, वो उसका भी टेस्ट हमें पहले अच्छा नहीं लगता था बट अब काफ़ी अच्छा लगता है, तो अभी हम जाएंगे ना गांव तो हम वाले राइस लेके आएंगे। अभी हाल फिलहाल हमारे पास ये राइस है जो हम काफ़ी पसंद करते हैं, तो ये हम हमारी नियर बाई शॉप है वहाँ से लेके आते हैं, तो ये अब हम इसमें डालेंगे, मसाला हमारा जो है फ्राई हो गया है, अब ये हम ना राइस इसमें डाल देते हैं, तो राइस में डाल दिया है। राइस डालने के बाद ना थोड़ा सा फ्राई करना चाहिए, डायरेक्टली पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि राइस में ना जो फ्लेवर है मसाले का वो थोड़ा सा एड ऑन हो जाता है, तो ये देखो क्या मस्त लग रहे हैं डाल के राइस, एकदम बढ़िया वो है ना मस्त। थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं, अब इसमें ना हमने क्योंकि 1 ग्लास चावल लिए हैं तो हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, ये 1 ग्लास पानी और 1 और ग्लास ऐड करेंगे, 1 ग्लास से थोड़ा सा कम रख सकते हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा ना पानी में पहले धो के चावल रख भी रखे थे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए, तो इसलिए हमने ना पानी थोड़ा सा कम किया, 1.5 ग्लास कह सकते हैं आप, 1.5 ग्लास डाल सकते हैं, बाकी चावल पर डिपेंड करता है किस टाइप के चावल हैं, तो हम जो ये चावल बनाते हैं ना ये ऐसे ही है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, कम लग रहा है, ये हमने डाल लिया, अच्छा ऐड हो गया ये पानी, अब इसमें थोड़ा सा नमक जो है हम डाल लेते हैं क्योंकि नमक हमने डाला नहीं था, बस अब हम ना टेस्ट भी करके देख लेंगे, नमक क्या है चावल जब बन जाएंगे उसमें नमक ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम पहले ना टेस्ट कर लेते हैं चम्मच से ना, हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे पानी लेके, नमक में ना थोड़ा सा और ऐड करेंगे, थोड़ा कम है नमक, बस ये हो गया हमारा, हम इसमें 2 सीटियाँ लगाएंगे, चावल उनके हो जाएंगे रेडी, मैं दिखाती हूँ आपको बनने के बाद अभी कैसे बने हैं। क्या लाजवाब लग रहे हैं यार, मस्त चावल बने हैं, वाओ। अब हम ये खाने के लिए परोस रहे हैं चावल, ये देखो